अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के हवाले से रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन का पार्ट थ्री है आज, जो हम मुसलसल कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। चैप्टर बड़ा था इसलिए पार्ट्स इसके ज़्यादा बढ़ाने पड़ गए, तो आज थर्ड इसका पार्ट है जिसमें हम इसको इंशाल्लाह एंड कर देंगे। तो कहाँ तक मौजूद हम लोग? वेन आई हैड सेव्ड वट आई कंसिडर्ड इनफ मनी, और कहते जब मैंने पैसे जमा कर लिए थे वहाँ पर काम करके, तो मेरे पास इतने पैसे थे। आई कंसीडर्ड इनफ मनी विद विश टू रीच हैम्पटन। अब मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं इजीली हैम्पटन भी पहुंच सकता हूं और थोड़े बहुत एक्सपेंसेस भी कर सकता हूं। आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस। मैंने अपने उस कैप्टन का बड़ा शुक्रिया अदा करा था जिसने मुझे रोजगार दिया था। एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया, जो मेरा 82 किलोमीटर, जो 82 माइल्स रह गया था हैम्पटन में पहुँचने के लिए, विदाउट एनी अनयूजुअल ऑक्यूरेंस। और कहते हैं बिना विदाउट एनी अनयूजुअल ऑक्यूरेंस आई रीच हैम्पटन। मैं बिला कह लें कि अनयूजुअल से मुराद कहते हैं एक तो द यूजुअल आम तौर पर, एक गैर अमूमी तौर पर मेरी अजीब सी हालत लेके मैं पहुंच गया कह लें कि हैम्पटन पहुंचा। विद अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन। 50 सेंट्स मेरे पास इजाफी थे जिससे मैं अपनी तालीम का स्टार्ट कर सकता था। टू मी इट हैड बीन अ लॉन्ग इवेंटफुल जर्नी, और यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इवेंटफुल जर्नी रहा था। बट द फर्स्ट साइड ऑफ द लार्ज 3-story ब्रिक स्कूल बिल्डिंग सीम टू हैव रिवॉर्डेड मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगोन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस। और कहता है बट द फर्स्ट साइड ऑफ द लार्ज 3-story ब्रिक स्कूल, पहली मरतबा मैंने 3 मंजिला ईंटों का बना हुआ पक्का स्कूल देखा। तो कहते हैं सीम टू हैव रिवॉर्डेड मी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसास मिल गया फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगोन। और कहता है फिर उसके बाद कहता है यही तो मैं हासिल करने आया था। इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, फिर मैं स्कूल में दाखिल हुआ और अंदर दाखिल हो गया। इफ़ द पीपल हु गेव द मनी टू प्रोवाइड दैट बिल्डिंग कुड अप्रिशिएट द इन्फ्लुएंस द साइड ऑफ इट हैड अपॉन मी एज वेल एज अपॉन थाउजेंड्स ऑफ अदर यूथ्स, they would feel all the more encouraged to make such gifts. कहा जा रहा है कि if the people who gave the money to provide that building could appreciate the influence the side of it had upon me. कहता है कि वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैसा देकर भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते थे, और कहता है लेकिन मुझे ऐसा लगता था, लिखा हुआ बिल्डिंग कुड appreciate the influence the side of इट हैड अपॉन मी, यानी कहते हैं मुझ पर एक बड़ा अलग किस्म का असर था उस बिल्डिंग का, उस इन्वायरमेंट का जब मैं दाखिल हुआ, एज वेल एज अपॉन थाउजेंड ऑफ अदर यूथ। जाहिर सी बात है मेरी तरह और भी हज़ारों लाखों लोग आते होंगे वहाँ पर, उन पर भी बड़ा असर होता होगा। दे वुड फील ऑल द मोर इनकरेज टू मेक सच गिफ्ट, और कहते हैं कि यकीन उनको भी ऐसे फील होता होगा, इनकरेज होते होंगे और उन्हें एक ये बड़ा तोहफा लगता होगा। इट सीम टू मी टू बी द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग आई हैड एवर सीन। मैंने अपनी ज़िंदगी की, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरत तरीन ये बिल्डिंग है, मेरा ख्वाब पूरा हो गया। द साइड ऑफ इट सीम टू गिव मी न्यू लाइफ, जब मैं उसको देखता था तो मुझे लगता था मुझे नई ज़िंदगी मिल गई। आई फेल दैट अ न्यू काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस, मुझे महसूस होने लगा मेरी एक नया वजूद बन गया, हैड नाउ बिगन, मेरे इब्तिदा हो गई एक नई किस्म की। दैट लाइफ वुड नाउ हैव अ न्यू मीनिंग, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी की मीनिंग बदल चुकी थी, एक मेरी ज़िंदगी का मकसद अब चेंज हो चुका था। आई फेल दैट आई हैड रीच द प्रोमिस लैंड, और मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद उस मुकाम पे पहुंच गया हूं जिसका मैंने अपने आप से वादा किया था। एंड आई रिजॉल्व टू लेट नो ऑब्स्टेकल प्रिवेंट मी, कहते हैं एंड आई रिजॉल्व टू लेट नो ऑब्स्टेकल प्रिवेंट मी, और मैं चाहता था कि मुझे कोई चीज़ अब रोके ना फ्रॉम पुटिंग फोर्थ द हाइस्ट एफर्ट टू फिट माई सेल्फ टू अकॉम्प्लिश द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि मैं अपने आप को बुलंदियों की ऊंचाइयों तक ले जा सकूं, अपने आप को इस काबिल बना सकूं, इस दुनिया के काबिल बना सकूं। एज सून एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ हैम्पटन इंस्टीट्यूट, जैसे मैं हैम्पटन इंस्टीट्यूट पहुंचा, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर एन असाइनमेंट टू अ क्लास। मैं फ़ौरन हेड प्रिंसिपल जो होते हैं मैं उनके पास गया, खातून थी, तो कहते हैं मैंने अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट किया, सही है ना, असाइनमेंट के तौर पर मैंने बोला भाई ये एडमिशन है मेरा, ये फॉर्म वगैरह है, मैं तमाम चीज़ें लेके सामने पेश आया उनके। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, साइड सी बात है मैं इतने दिनों की मुसाफत, कोई सही से खाना नहीं खाया, कपड़े चेंज नहीं करे, मुँह नहीं धोया,
बाथ एंड अ चेंज ऑफ क्लोथिंग, कुछ भी नहीं था, मतलब गंदे संदे कपड़े, बदतरीन हालत, सही रहना, खाना खाया था, सेहत भी ख़राब. आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर. जब मैं टीचर प्रिंसिपल के सामने गया तो मेरा इम्प्रेशन बड़ा घटिया पड़ा उसके सामने ना. एंड आई कुड सी एट वंस दैट देयर वर डाउट्स इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज अ स्टूडेंट. और मैं उसको देख के समझ गया था कि उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं कि मुझे एडमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतना गंदा मैला इंसान आया. I felt that I could hardly blame her if she got the idea that I was a worthless loafer or tramp. शायद मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि I could hardly blame her, कि शायद ये मुझ पर अब ये blame करेगी, if she got the idea, शायद उसको ये लगेगा ऐसा, that I was a worthless loafer, मैं कोई जंगली जानवर, कोई है ना बदमाश टाइप का, कोई गंदा मैला कुचेला इंसान. For some time she did not refuse to admit me. काफ़ी देर तक मैं उसके आगे पीछे घूमता रहा, एडमिशन दे भी नहीं रही थी, लेकिन उसने मुझे एडमिशन देने से रिफ्यूज भी नहीं किया. नीदर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर, ना उसने मेरे फेवर में कोई बात करी, ना मुझे रिजेक्ट किया, ना मुझे एक्सेप्ट किया. एंड आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, मैं भी पक्का था, मैं भी उसके आगे पीछे घूमता रहा. एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज आई कुड विद माई वर्थिनेस, और मैंने अपने हर तरह से कोशिश करी कि उसको मैं रियलाइज कराऊँ कि यार मुझसे इम्प्रेस हो. लेकिन जाहिर सी बात है, इन द मीन टाइम I saw her admitting other students. लेकिन मैं ये देख रहा था कि यार दूसरों को तो एडमिशन मिल रहा है. That added greatly to my discomfort. अब मैं परेशान होना शुरू हुआ कि यार मेरे से ऐसी क्या खता हो गई है कि ये मुझे एडमिशन दे रही, बाकी सबको दिए जा रही. For I felt deep down in my heart, और अंदर ही अंदर में टूटा जा रहा था, अफसुर्दा हुआ जा रहा, that I could do as well as they. मैं भी चाहता था कि काश मुझे भी एडमिशन मिल जाए, मुझे भी वो वैल्यू मिले जो ये दूसरों को दी जा रही. If I could only get a chance to show what was in me, मैं ये चाहता था कि काश अल्लाह पाक मुझे एक मौका मिल जाए, मैं दुनिया को दिखा सकूं कि मेरे अंदर क्या abilities हैं. खैर, after some hours had passed, काफ़ी घंटे गुजर गए, दूसरों के admission हुए जा रहे हैं, हमें admission ही नहीं मिल रहा, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा. The head teacher said to me, काफ़ी देर के बाद, कई घंटों के बाद, जब मैं वहीं पर घूमता फिरता रहा उसके आगे पीछे, तो कई घंटों के बाद उस प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, क्या कहा, उसने ये नहीं कहा कि अपना फॉर्म ले आओ या ये ले आओ या वो ले आओ या फीस जमा कराओ, नहीं. प्रिंसिपल ने कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग. हमारा जो रेसिटेशन रूम है जहाँ पे तिलावत वगैरह होती है, प्रे वगैरह होती है, नीड्स स्वीपिंग, वहाँ पर जो है सफाई की ज़रूरत है. टेक द ब्रूम, झाड़ू उठाओ एंड स्वीप इट, जाकर उसको साफ करो. It occurred to me at once that here was my chance. और कहते हैं जैसे उस प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि जाओ जाके सफाई करो उस कमरे की, तो कहते हैं it occurred to me, तो मुझे फौरन समझ में आ गया at once that here was my chance. ये मेरा मौका है अपने आप को साबित करने का, क्योंकि मैं समझ गया था कि प्रिंसिपल जो है मुझे कोई बहुत ही मैला गंदा कुचैला समझ रही है, सही ना. Never did I receive an order with more delight. और कहता है शायद मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी कोई order इतनी खुशी से accept नहीं किया होगा जैसा मैंने उस principal का order accept किया. I knew that, मैं जानता था, I could sweep, मैं सफाई कर सकता हूँ. For Mrs. Rufner had thoroughly taught me, क्योंकि Mrs. Rufner ने मुझे ऐसा सिखाया था कि how to do that, कि सफाई करते कैसे. When I lived with her, जब मैं वहाँ रहता था, जब मैं उसके घर पे काम करता था, तो मिसेज रूफ ने मुझे सिखाया था. तो कहता है मुझे वो सारी जो याद है ना, आपको इसने शुरू में कहा था कि मैंने मिसेज रूफ ने घर पे एक ऐसा, मैंने जो तालीम मिसेज रूफ ने घर पे हासिल करी है वो शायद मैंने कभी किसी इंस्टीट्यूट में हासिल नहीं करी. तो कह रहा आज वो वक्त आ गया था कि मैंने मिसेज रूफनर की वो तालीम जो थी उसका इस्तेमाल करना था. खैर, आई स्वेप द रेसिटेशन रूम 3 times. मैं फटाफट रेसिटेशन रूम में गया, मैंने रेसिटेशन रूम को 3 मरतबा सही से साफ किया. Then I got a dusting cloth, फिर मैंने कपड़ा उठाया and dusted it 4 times. मैंने उस कमरे को 4 मरतबा dusting की. All the woodwork, जितना भी लकड़ी की चीज़ें थी around the walls, every bench, table, desk, सब चीज़ों को मैंने 4-4 बार साफ किया. I went over 4 times with my dusting. और मैं एक दफ़ा गया तो 4 दफ़ा सफाई की, और इस तरह मैं 4 दफ़ा वहाँ पर गया अपने dusting cloth के साथ. बिसाइड एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, एक एक फर्नीचर में से, एक एक चीज के नीचे से ऊपर से, हैड बीन मूव्ड इन एवरी क्लोसेट, हर कोना खुदरा एंड कॉर्नर इन द रूम, हर जगह पे हैड बीन थॉरली क्लीन, मैंने हर जगह साफ की. आई हैड द फीलिंग दैट इन अ लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन आई हैड मेड
आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम. और कहते हैं आई हैड द फीलिंग, मुझे एहसास था कि दैट इन अ लार्ज मेजर, कि यकीनन कहीं ना कहीं माई फ्यूचर डिपेंड करता है किसके ऊपर, इम्प्रेशन, इस इम्प्रेशन के ऊपर. आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, मैंने ये कमरा ऐसा बेहतरीन साफ करके देना है कि यही एक वाइड ऑप्शन है मेरे पास कि मैं टीचर को इम्प्रेस कर सकता. When I was through, जब मैंने ये सारा काम कर लिया, I reported to the head teacher, मैंने जाके प्रिंसिपल से कहा, she was a यंकी woman, और ये वही बंदी थी, ये भी यंकी निकली, जो हमने बताया था आपको शुरू में इसकी डेफिनेशन, who knew just where to look for dirt, और चूंकि जाहिर सी बात है ये भी खातून थी, प्रिंसिपल थी, और एक खातून होने के नाते इसको पता था कि सफाई करते कैसे हैं, कहाँ कहाँ पे कचरा हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, तो इसको पता था. She went into the room, अब ये बंदी गई recitation room के अंदर, and inspected the floor, और इसने जाकर जो है पहले फर्श को देखा, and closet, और जो इसने कोने की जगह थी उनको देखा. Then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork, और फिर इसने सिर्फ देखा नहीं बल्कि अपना रुमाल लिया और इसने तमाम चीजों के ऊपर अपना रुमाल फेर कर देखा. अबाउट द वॉल्स, दीवार पे जो लकड़ी की चीज लगी थी उन सब पे इसने अपना रुमाल फेर के देखा. एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस, टेबल और बेंच के ऊपर इसने रुमाल फेर कर देखा. और ये सब क्यों करा, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉर्मल आंखों से चीज गंदगी नजर नहीं आती, डस्टिंग नजर नहीं आती, लेकिन अगर आप किसी कपड़े को लगा के देखें तो डस्टिंग उस पर अलग नजर आ जाती है. When she was unable to find one bit of dirt on the floor, जब उसे एक जर्रा भी मिट्टी का नहीं मिला फ्लोर के ऊपर, और अ पार्टिकल ऑफ डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, जब उसे फर्नीचर किसी हिस्से पे कोई डस्ट पार्टिकल नहीं मिला, शी क्वाइटली रिमार्क, तो ये सब देखने के बाद फिर उसने बड़े आराम से रिमार्क दिया. और वो रिमार्क क्या था, उसने प्रिंसिपल ने कहा, आई गैस, मुझे ऐसा लगता है यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन, कि तुम हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले सकते हो. अब सवाल आप लोगों से ये है कि इस नॉर्मली कहीं पे एडमिशन लेने के लिए टेस्ट लिया जाता है, कहीं पे कोई एग्जाम लिया जाता है, कुछ जाता है, इस बंदी ने इसका एग्जाम सफाई कराकर क्यों लिया. तो इसका जवाब यह है कि असल में वो परेशान थी कि क्या ये वाकई सिर्फ फिजिकली गुर्बत की वजह से मैला है या ये नेचुरली मैला है. क्योंकि अगर जो इंसान नेचुरली मैला होता है वो कभी भी इतनी अच्छी सफाई नहीं कर सकता. तो इसलिए उसने उसको आजमाने के लिए क्या करा, उसने इस गंदे इंसान को सफाई का टास्क दिया कि अगर ये वाकई में गंदा हुआ तो ये सफाई अच्छी नहीं करेगा, और अगर ये सिर्फ फिजिकली मैला हुआ हालात की वजह से तो ये अगर नेचुरली साफ हुआ तो ये अच्छी सफाई करेगा. और वही हुआ कि प्रिंसिपल जो उससे इंस्पायर हुए उसने उसको एडमिशन दे दिया. तो बुकर टी वॉशिंगटन क्या लिखता है, आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ, जब उसने मुझे एडमिशन दिया तो कहता है मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान अपने आप को तस्वुर कर रहा था. द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, और कहता है कि सही मानों में देखा जाए तो उस कमरे की जो सफाई थी वो असल में मेरी जिंदगी का एग्जाम था कॉलेज का. एंड नेवर डिड एनी यूथ पास एन एग्जामिनेशन फॉर एंट्रेंस इन टू हार्वर्ड और येल दैट गेव हिम मोर जेन्युइन सेटिस्फेक्शन, और कहता है शायद Never did any youth pass an examination. शायद किसी भी यूथ ने आज तक ऐसा इम्तिहान पास नहीं किया होगा फॉर एंट्रेंस इन टू हार्वर्ड के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, हार्वर्ड में या येल में, सही ना. That gave him more genius satisfaction, जिसकी वजह से उसको इतनी ओरिजिनल सेटिस्फेक्शन मिली हो. कहता आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, उसके बाद फिर कई इम्तिहान पास किए पढ़ लिख कर, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई हैव एवर पास, कहता लेकिन वो जो सफाई वाला एग्जाम था वो कहता मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट एग्जाम था. तो दैट वॉज द हिस्ट्री ऑफ बुकर टी वॉशिंगटन और उसका पूरा तालीमी करियर. होपफुली समझ में आया होगा. अल्लाह हाफिज़.